नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से जो कुछ चल रहा है, पहले सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत, दिशा सलियन की संदिग्ध मौत, उसके बाद इन दोनों मामलों पर ही पूरा कवरेज का फोकस, एक के बाद एक विवादों की शुरुआत और उस पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से जो कुछ किया गया वो सब आखिर क्या है। चाहे एक ख़ास मीडिया नेटवर्क के लोगों की गिरफ्तारी हो, चाहे कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ने का मामला हो, चाहे एक पूर्व नेवी ऑफिसर की शिव सैनिकों के द्वारा पिटाई हो, जो एक के बाद एक ये घटनाएं हुई हैं, ये आखिर क्यों हो रही हैं। लोगों का महामारी की विफलता से ध्यान हटाने के लिए मेरे पास महाराष्ट्र से कई मित्रों के मैसेज आते हैं। नागपुर से एक मित्र हैं आनंद वर्धन तिवारी, उनका वॉइस मैसेज आया करीब 23 मिनट का, और उन्होंने ये जानकारी दी कि जहां वो रह रहे हैं यानी नागपुर में, जहां संघ मुख्यालय भी है और जहां से अनिल देशमुख, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, कई पॉलिटिशियन ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ताकत प्राप्त करते हैं, और भी कई हैं। ऐसे नागपुर में क्या स्थिति है, क्या दयनीय स्थिति है, और जो बुज़ुर्ग कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज हैं उनके साथ भी किस तरह का व्यवहार वहाँ के अस्पतालों में हो रहा है, सरकारी अस्पतालों में हो रहा है, इसकी दारुण व्यथा कथा उन्होंने वॉइस मैसेज में भेजी है। और मैं ये देख रहा था कि पूरे देश में इस समय कोरोना वायरस के एक्टिव केस कितने हैं, अकेले महाराष्ट्र में कितने हैं, पूरे देश में अब तक कोरोना वायरस से कितने लोगों की मौत हुई है, अकेले महाराष्ट्र में कितनों की हुई है। और मैं केवल नागपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे पुणे हो, चाहे मुंबई हो, चाहे ठाणे हो, चाहे नासिक हो, चाहे रायगढ़ हो, जलगांव हो, कोल्हापुर हो, पालघर हो, औरंगाबाद हो, अहमदनगर हो, शोलापुर हो, सांगली हो, सतारा हो, लातूर हो, नांदेड़ हो, आप कहीं भी चले जाइए, सब जगह सरकारी अस्पतालों में बहुत बुरा हाल है। आप जानते हैं पूरे देश में अब तक, आज तक कितने केस आए हैं कोरोना संक्रमण के, 46,64,048। महाराष्ट्र में अकेले कितने आए हैं, 9,61,457, यानी 46,64,000 में से 9,61,000 अकेले महाराष्ट्र से हैं। एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो एक्टिव केस पूरे देश में इस समय 9,61,457 हैं और अकेले महाराष्ट्र में 2,71,566 हैं। पूरे देश में आज तक 77,537 लोगों की जान गई है, 77,537, इनमें से अकेले महाराष्ट्र में 27,787। बाकी प्रदेशों पर अगर नज़र दौड़ाएं तो ये जो महाराष्ट्र में 27,787 लोगों की मृत्यु हुई है, जो अधिकृत आंकड़ा है, जो वहाँ से मैसेज आ रहे हैं, उनका तो ये कहना है कि
मौतें भी छिपाई जा रही हैं, सही आंकड़ा सामने नहीं आने दिया जा रहा है। बाकी प्रदेशों की क्या स्थिति है, बाकी प्रदेशों में जो मृतकों की तादाद है वो कितनी है? नज़र डालेंगे तो महाराष्ट्र के कोई आसपास भी नहीं है। आंध्र प्रदेश में अब तक 4634 लोगों की मृत्यु हुई है, तमिलनाडु में 8000 के करीब, कर्नाटक में 6500 से ज़्यादा, उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा सूबा है, 22 करोड़ के आसपास आबादी है, वहाँ 4000 से कुछ ज़्यादा, दिल्ली में करीब 4500 के आसपास, पश्चिम बंगाल में 3700 के आसपास, बिहार में केवल 775, तेलंगाना में 916, उड़ीसा में 633, असम में 378, गुजरात में ज़रूर 3134 जो परसों का आंकड़ा है, मैंने आज का आंकड़ा मृतकों का नहीं लिया वहाँ का, केरल में 385, ये भी दो दिन पुराना आंकड़ा, राजस्थान में 1164, हरियाणा में 854 लोगों की मौत, मध्य प्रदेश में 1609, पंजाब में 1990, ये भी परसों के आंकड़े हैं। सब राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा तमिलनाडु में 8000 हैं, कर्नाटक में 7000 के आसपास हैं, बाकी सब जगह बहुत कम हैं, और अकेले महाराष्ट्र में 27,787। और अगर दूसरे राज्यों के आंकड़ों पर हम नज़र डालें तो जो टोटल मैंने आंकड़ा बताया है एक्टिव केसों का इस समय देश में, वो 9,61,000 है, 457 और हैं इसमें, 9,61,457, और इनमें अकेले महाराष्ट्र का मैंने बताया था 2,71,566। और अगर हम उन राज्यों पर नज़र दौड़ाएं जहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है, ये जो राहुल गांधी, उनकी पूरी इकोसिस्टम, मीडिया का एक हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये कहते हुए निशाने साध रहा है कि अब रोज़ाना 1,00,000 कोरोना वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं, तो प्रधानमंत्री चुप्पी शायद इसलिए साधे बैठे हैं कि अगर वो कुछ कहेंगे कि जहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है या उसकी अपनी सरकारें नहीं हैं, वहां कोरोना वायरस के मरीज कहीं ज़्यादा हैं, 5,67,165 हैं, 9,61,000 में से 5,67,000 ऐसे राज्यों में हैं जो नॉन बीजेपी सीएम वाले राज्य हैं। कौन से राज्य हैं ये? महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, दिल्ली है, पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, केरल है, राजस्थान है, पंजाब है। इन राज्यों में 5,67,165 एक्टिव केस हैं, देश के कुल 9,61,457 केसों में से। और भारतीय जनता पार्टी के जहां मुख्यमंत्री हैं उन राज्यों में जो आंकड़ा है 9,61,457 पूरे देश में, और 3,94,292 बीजेपी रोल्ड स्टेट में। और अगर हम महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों, अलग अलग क्षेत्रों पर नज़र दौड़ाएं तो आपकी समझ में आएगा कि उद्धव ठाकरे सरकार, वहाँ की पुलिस, वहाँ के पॉलिटिकल क्लास, शिवसैनिक जो कारनामा कर रहे हैं, बीएमसी जो कारनामा कर रही है, वो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कर रही है। एक तो जो मूवी माफिया है उससे किसी तरह से ध्यान हट जाए, एक जो ड्रग माफिया है उससे ध्यान हट जाए, मीडिया की तरफ चला जाए,
कंगना रनौत की तरफ चला जाए, रिया चक्रवर्ती को बचाने के हर हथकंडे अपनाए गए, वो कामयाब नहीं हुए। तीन एजेंसियां वहाँ जाकर के अब जांच कर रही हैं, तो एक एक करके वो सारे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं जिनको किसी न किसी रूप में संरक्षण मिल रहा था। पुणे का हाल बताएं क्या है? उद्धव ठाकरे सरकार के जो अधिकारी हैं, जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं, उनको तो पता होगा, लेकिन ये आंकड़े प्रमुखता से नहीं बताए जाते मीडिया में। क्या हालत है? एक्टिव केस पुणे में 62,859, मृत्यु पुणे में, अकेले पुणे में 4,693, मुंबई में एक्टिव केस 24,560 और मृतक 8,067, ठाणे में 25,852 एक्टिव केस और मृत्यु 4,118, नासिक में 10,400 एक्टिव केस अभी भी हैं और मरने वालों की तादाद 1,033, नागपुर में 17,269 एक्टिव केस अभी भी हैं सरकारी आंकड़ों में और वहां मरने वालों की तादाद 1,243, रायगढ़ में एक्टिव केस 8,951 और वहां मरने वालों की तादाद 906, जलगांव एक्टिव केस 8,095 और वहां भी 1,003 लोग अब तक मर चुके हैं, कोल्हापुर में एक्टिव केस 9,555 और वहां भी 891 लोग अब तक कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं। अगर अब तक के कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बताएं तो आपको हैरानी होगी। पुणे में 2,23,000, मुंबई में 1,65,000, ठाणे में 1,52,000, नासिक में 52,000, नागपुर में 47,861, रायगढ़ में 39,449, जलगांव में 35,523, कोल्हापुर में 31,000 से ज़्यादा, पालघर में 28,000 से ज़्यादा, औरंगाबाद में 26,000 से ज़्यादा, अहमदनगर में 25,000 से ज़्यादा, सोलापुर में 23,000 से ज़्यादा, सांगली में 20,000 से ज़्यादा, सतारा में 19,000 से ज़्यादा, लातूर में 10,000 से ज़्यादा, नांदेड़ में 9,000 से ज़्यादा। और ऐसे बहुत सारे राज्य हैं इस देश में जहाँ पुणे जितने मरीज नहीं हैं, मुंबई जितने मरीज भी नहीं हैं, ठाणे, नासिक, रामपुर, रायगढ़, जलगांव और कोल्हापुर जितने मरीज भी नहीं हैं राज्यों में। तो ये जो आलम है और जो वहाँ के अस्पतालों की खबरें मिल रही हैं, वहाँ के डॉक्टर्स का जो रवैया है, वहाँ के स्टाफ का, नर्स का जो हाल है और मरीजों के साथ जिस तरह का बिहेव किया जा रहा है, उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। नागपुर से जो आनंद वर्धन तिवारी का मेरे पास वॉइस मैसेज आया, उसमें ये बताया गया है कि एक 68 साल के बुज़ुर्ग को भी वेंटिलेटर नहीं उपलब्ध कराया गया। तो इन चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए क्या क्या उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है और किस किस तरह के मैसेज राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम आजकल कर रहा है। चीन भारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, अर्थव्यवस्था 23.9% डाउन हो गई है, करीब 1,00,000 कोरोना मरीज रोज़ाना सामने आ रहे हैं, टीवी चैनल असली मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है और टीवी चैनल्स कह रहे हैं सब चंगा सी। तो टीवी चैनल अगर कोरोना वायरस के आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रहा है, महाराष्ट्र की अगर सही तस्वीर पूरे देश के सामने नहीं रख रहा है, तो ये वाकई मीडिया की गलती है। अकेले महाराष्ट्र ने ही एक बड़ा अंतर कर रखा है। और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन है? शिवसेना प्रमुख
उद्धव ठाकरे, उनके सहयोगी दल कौन से हैं जो राहुल गांधी रोजाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोरोना वायरस को लेकर के भी और दूसरी चीज़ों को लेकर के भी हमले करते हैं, उस कांग्रेस का समर्थन उद्धव ठाकरे को मिल रहा है, एनसीपी का शरद पवार का समर्थन भी उनको मिल रहा है। तो महाराष्ट्र आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तीन तीन दल मिल करके भी वहाँ लोगों में हड़कंप की स्थिति है, मरघट जैसा सन्नाटा है, असहाय हैं वो, कहीं किसी के पास गुहार भी नहीं लगा सकते हैं। और उद्धव ठाकरे सरकार क्या कर रही है, शिवसैनिक क्या वीरता दिखा रहे हैं, ये रोज़ाना आप मीडिया में देख ही रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।